मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसा कि कई बार बीमारी के चलते हमें कड़वी दवाई भी लेनी पड़ती है, उसी प्रकार से हमें भी कई बार ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव से दिखने वाले, जी हाँ, इस शब्द पर आप गौर करिएगा, नेगेटिव से दिखने वाले, वो है नहीं, दिखने में सुनने में नेगेटिव लग रहे हैं, ऐसे शीर्षक पर हमें वीडियो बनाने पड़ते हैं। और कारण कुछ और नहीं है, कारण यही है कि आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए और आपकी जिज्ञासाओं को कैसे शांत किया जाए तार्किक होकर के। साथियों, मेरा इशारा मृत्यु, मौत, इसको लेकर के है। बहुत सी बहनें जब जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने आती है तो उनका एक अनिवार्य प्रश्न ये होता है कि हम दोनों मतलब उनका स्वयं और उनके पति की तरफ इशारा होता है कि पहले इस दुनिया से कौन जाएगा। और ना चाहते हुए भी कई बार हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। साथियों, कई प्रकार के आर्थिक निर्णय ऐसे हैं, वसीयत से संबंधित ऐसे निर्णय हैं जो इस प्रश्न के उत्तर मिलने के बाद बहुत अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं। संयुक्त परिवार समाप्त होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, इसलिए व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात और खास तौर पर अपनी वृद्धावस्था के जीवन की सुरक्षा को लेकर के चिंता हमेशा बनी रहती है, इसलिए उसको ये जानने का पूरा हक है और ज्योतिष हमें इस बात की सहूलियत प्रदान करता है। और हाँ साथियों, ये जो विश्लेषण है ये केवल प्रथम विवाह पर ही सटीक रूप से लागू होता है, दूसरे विवाह पर ये लागू नहीं होता है। और सही मिलान के माध्यम से हम इसको झुठला भी सकते हैं। यदि हम कुंडली मिलान के समय पूरे वैदिक रीति से, पूरे गणित से उसका विश्लेषण करें तो इस योग को टाला भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, हम चर्चा करेंगे आज वृषभ लग्न के जातकों के बारे में कि जन्म पत्रिका को देख करके क्या उनकी जन्म पत्रिका में विधवा योग या विधुर योग है, और यदि उनकी ये जिज्ञासा है कि उनमें और उनके जीवन साथी में से पहले कौन स्वर्गवासी होगा, तो ये एपिसोड आपके बेहद काम का है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि आप दो चीज़ों को फॉलो करें। एक तो सबसे पहले आप अपना जब कमेंट लिखें उससे पहले आप हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो कहीं ना कहीं इसी एपिसोड से रिलेटेड है उसका आप सही उत्तर जरूर दें, प्रश्न आपसे एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृषभ लग्न में इस योग के बारे में हम जान लेते हैं। साथियों, ये आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं, जन्म पत्रिका वृषभ लग्न की है क्योंकि दो नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो बहुत से ऐसे योग हैं जो विधवा या विधुर योग की निर्मिति करते हैं, परंतु यहां पर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम वो आपके सामने योग लेकर के आए जो कि शत प्रतिशत शास्त्रीय रूप से और आनुभविक रूप से खरा हो। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में, ट्वेल्थ हाउस में राहु देव विराजमान होते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका जीवन साथी उससे पहले इस दुनिया से विदा हो जाता है। राहु इस जन्म पत्रिका के जो लग्नेश बनते हैं, शुक्र उनके मित्र हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो शून्य से शिखर तक स्वयं अपने बलबूते पे यात्रा करता है। जिस किसी क्षेत्र में वो कार्यरत होता है, पारिवारिक उसकी पृष्ठभूमि चाहे जैसी रही हो, वो अपने शिखर पर जरूर जाता है और हद दर्जे का आत्म स्वाभिमान उसके अंदर पाया जाता है। 30 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को निद्रा की समस्या घेर लेती है, जब रात का समय जो कि सोने के लिए ही बना है उस समय इनको नींद नहीं आती, और काफ़ी दवाइयां लेने के बावजूद भी इनको ये समस्या बनी रहती है जो कि आगे चलकर के मेंटल टेंशन में तब्दील हो सकती है।
ऐसा जो व्यक्ति है इसका विवाह अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जन्म जाकर के होता है। इनके जो जीवन साथी का और इनका स्वयं का जो जन्म स्थान है वो प्रायः बहुत ज़्यादा दूर होता है। माता पिता की चिंता इनको हमेशा बनी रहती है। हमेशा हम बात करते हैं कि माता पिता को संतान की चिंता रहती है, इनको हमेशा अपने माता पिता से लेकर के चिंतित ही बने रहना पड़ता है। प्रथम जो इनका संतान है वो मिसकैरेज का शिकार भी हो जाता है, खास तौर पर उस स्थिति में जबकि कुंडली मिला करके विवाह न किया जाए तब। साथियों, आज हमने जाना कि वृषभ लग्न की जो जन्म पत्रिका है, ज्योतिष के माध्यम से क्या हम ये जान सकते हैं कि पहले कौन ऊपर जाएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का कोई योग आपकी जन्म पत्रिका में ना हो, क्योंकि हर कोई ये चाहता है। खासतौर पर मैं जितने लोगों से मिला हूं, मुझे तो यही सुनने और देखने को मिला है कि पहले मैं इस दुनिया से जाना चाहिए और उसके बाद में मेरा जीवन साथी जाना चाहिए। खैर, कुछ चीज़ें ईश्वर स्वयं निर्धारित करते हैं, हमारा कार्य है केवल उसकी जांच पड़ताल, उसकी शोध, उसकी सटीक रिसर्च के द्वारा आप तक सही जानकारी पहुँचाना। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शिवम गुप्ता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। शिवम जी, आपने पूछा है कि आपको किस क्षेत्र में अपना करियर, अपनी आजीविका का निर्माण करना चाहिए। शिवम जी, मार्च 2021 के बाद एक बहुत अच्छा सुअवसर आपके करियर को लेकर के आएगा और गलती से भी आप उस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। जहाँ तक प्रश्न क्षेत्रों का है तो आप टीचिंग के फील्ड में, एजुकेशन से जुड़े किसी फील्ड में, कंसल्टेंसी जिसमें सलाह देने की बात हो ऐसे किसी फील्ड में, फाइनेंस से जुड़े किसी फील्ड में या प्रबंधन मैनेजमेंट से जुड़े हुए किसी फील्ड में अपने अगर रोजगार की तलाश करेंगे तो बहुत जल्द ही आप भी शून्य से शिखर तक की यात्रा पर जरूर निकलेंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में जब विधवा या विधुर योग के चर्चा की बात की तो किस भाव में राहु के होने की बात कही गई है, उस भाव का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, इसकी विश्वसनीयता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यकीन जानिए कि आपको केवल और केवल सच्चाई ही जानने को मिलेगी और स्वयं आप इसको अपनी कसौटी पर कसकर खरा उतार सकते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।